एक बार फिर मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं विदिशा में भी लगातार हुई बारिश आफत की बारिश साबित हुई। जहां पूरा शहर जलमग्न हो गया, वहीं दूसरी ओर अस्पताल के वार्डों में भी पानी भर गया। बारिश की चपेट में रेलवे पटरियां भी आ चुकी हैं। पटरियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं। शासन ने अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों को आनन फानन में घरों से निकालकर राहत शिविरों तक तो पहुंचा दिया, लेकिन छोड़ दिया उनके हाल पर, जिसके चलते परेशान होकर प्रभावित परिवारों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम किया, जिसके बाद शासन ने जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। रात से फोन लगा लेकिन हमारा कोई भी नहीं सुन रही है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बच्चे को आंगनबाड़ी में छोड़ के आए हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है। हमारा 20,000 का ठेला बह गया, दो बोरा पिसी। कहते हैं बताओ कहाँ पे रही है, तो पकड़ कर रखते उसे हम। आटा माटा बर्तन भाड़े सब बह गए हमारे, कुछ नहीं बचा। एक दिन से कुछ नहीं हुआ था, हमारे घरों में पानी भरा गया। आप वहाँ चल कर देखो, कोई भी ना, हमारे यहाँ पार्षद भी नहीं आ रहा, ना विधायक आ रहा, हमारे घर कुछ कोई नहीं है। हमारा पानी व्यवस्था बिल्कुल कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे घरों में। वहीं बेतवा नदी भी उफान पर आ चुकी है। घाट के किनारे बने मंदिर सहित मुक्तिधाम भी पूरी तरह से डूब चुका है। इस दौरान प्रशासन ने नदी किनारे की बस्तियों को खाली करवा दिया है और रहवासियों को राहत शिविरों में विस्थापित किया है। हाँ, कल अतिवृष्टि से शहर के कई इलाकों में पानी भरा था, जिसमें सागर पुलिया और कई से लगे हुए कई सारे इलाके हैं, जो बंटी नगर, सुभाष नगर और अन्य जगह जो पानी भरा था, उनमें राहत शिविर के लिए हम लोगों ने 3 जगह स्पॉट किए थे, जिसमें सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल है, इसके अंतर्गत राहत की सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। उनको रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और अन्य सामग्री किया गया है। साथ ही 2 अन्य जगह भी हमने व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो बेतवा नदी और बैस नदी का जो लेवल बड़ा है, उससे लगी हुई बस्तियों को भी अन्य जगह शिफ्ट कराया है। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं कहीं कहीं पर तो बाढ़ जैसे हालात भी निर्मित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, विदिशा।